जो कोरोना के पेशेंट हैं और घर में आइसोलेटेड हैं या हॉस्पिटल में हैं, तो जो उनके रिश्तेदार हैं, जो तीमारदार हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, उनका व्यवहार उनसे कैसा होना चाहिए, किन किन चीजों को उनको ध्यान रखना है, क्योंकि पता नहीं चलता। क्योंकि बहुत सी बार हमने ये घटनाएं सुनी कि आदमी कोविड निगेटिव हो गया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। मैक्सिमम ऐसी खबरें हम लोगों ने सुनी है। तो ऐसी कंडीशंस ना बनने पाए तो हमें कैसा व्यवहार एक पॉजिटिव पेशेंट के साथ करना चाहिए? मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो व्यक्ति भर्ती है या एकांत में है, उसके जो रिश्तेदार हैं, जो जानने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, उनका व्यवहार बहुत कुछ निर्भर करता है उसके ठीक होने पर। पहली बात तो यह होती है, तमाम ऐसे शुभचिंतक हैं जो केवल फोन पर जानना चाहते हैं क्या हो गया है, तो मुझे लगता है एक रिश्तेदार को ये जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए कि उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी वही देगा, रोगी को फोन पर स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग अंदर सेवा में हैं, वो बारी बारी से आए, एक साथ सारे लोग आ गए फिर सब चले गए, अपना ड्यूटी बना ले चार चार घंटे, और जो भी साथ में रहे वो पॉजिटिव सोच के साथ रहे, वो सकारात्मक बातें करे, कुछ हंसी मजाक करे, उसको पुरानी बातें याद दिलाए, उसमें उत्साह भरने का प्रयास करे, और ये कहे आज तो आप बहुत चेयरफुल लग रहे हैं, वाह मुझे लग रहा है आज तो आप पहले से बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक तो ये होता है। दूसरा ये, ऐसा कोई पहुंच जाए अंदर, कहे क्या हो गया है, आपका बुखार तो बहुत बढ़ गया है, आपकी हृदय गति बढ़ रही है, आपकी सांस तेज हो रही है, अपना ज्ञान बढ़ाने का प्रयास लोग जो करने लगते हैं, वैसे रिश्तेदार खतरनाक सिद्ध होते हैं। तो अच्छा व्यक्ति वो है जो साथ में रहने वाले रोगी की सेवा करे और उसका उत्साह वर्धन करे, उसको हमेशा सकारात्मक चीजें बताए। कोई अगर ऐसी खबर मिली है जो नकारात्मक है, उसको उस समय उसे न बताना ही श्रेयस्कर होगा। और बाहर से जो फोन आ रहे हैं, उनसे रोगी से बात बिल्कुल न कराई जाए। कोई एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले ले कि भाई इनके स्वास्थ्य की समीक्षा के संबंध में आप मुझे फोन करिए, मैं आपको जानकारी दूंगा। तो मुझे लगता है इस प्रकार से बारी बारी से ड्यूटी जब करेंगे तो उनका ध्यान रख पाएंगे, खाने पीने का ध्यान, उसके स्वाद का ध्यान, अपने ज्ञान के हिसाब से नहीं काढ़ा पिलाना ही पिलाना है, नहीं, जो स्वाद जो उसको पसंद है वो चीज खाने की जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि भोजन तभी फायदा करेगा, वही गुणकारी होगा जब वो स्वाद भी दे। स्वाद एक भोजन का अभिन्न अंग है, उसको नकारा नहीं जा सकता, और अपने पसंद का भोजन करने की स्वतंत्रता हर एक को होती है, रोगी को भी होनी चाहिए।